इस क्वेश्चन में हमारा दे रखा है स्टूडेंट, इन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। जो हमारे पास ए बी लाइन है, दिस वन लाइन और दिस वन लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इतनी बात समझ में आ रही है। और दे रखा है ए बी की लेंथ कितनी दे रखा है, ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड डी सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी कितना दे रखा है हमारे पास, ए बी एंड डी सी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 14 दे रखा है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन विल बी 14 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? और देखो स्टूडेंट क्या दे रखा है, इफ आर्क्स ऑफ द इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हमारे पास आर्क्स दो रखे हैं इक्वल रेडियस के स्टूडेंट, ये कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, दिस वन रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब ईच इक्वल आर्क दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ बताओ विथ सेंटर ए बी सी डी, इसका सेंटर क्या है, ए बी सी एंड डी, मतलब ऑल वर्टेक्स एज क्या काम कर रहा है, सेंटर का काम कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, एरिया ऑफ हमें सेडेड रीजन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेडेड रीजन, ध्यान देना, एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, सेडेड रीजन, एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर। अब देखो ऐसे कितने सेक्टर हैं, इनटू 4 कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। या एरिया ऑफ, एक काम करते हैं, एरिया ऑफ वन सेक्टर नहीं लिखे हम, ये काम करते हैं स्टूडेंट, देखो दिस वन A1, A2, A3, A4। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास ये मान लिया θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया, इसको हमने θ3 मान लिया, θ3 मान लिया, और इसको हमने θ4 मान लिया। ठीक है, θ4 एंगल हमें नहीं पता है तो हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा A1 है और ये हमारा A2, A3 और A4। इतनी बात समझ में आई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है ए बी प्लस बी सी और हाइट एच। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है स्टूडेंट, मतलब थीटा, देखो तो पहले A1 का एरिया कितना हो जाएगा, देखो A1 का एरिया जो होगा यहाँ पर ध्यान देना, ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 1 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो सबका रेडियस इक्वल है हमारे पास, ठीक है, सबका रेडियस इक्वल है, तो मतलब रेडियस आर ही रखेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर रेडियस डिफरेंट होता तो हम R1, R2, R3 लेके चल सकते थे, यहाँ पर रेडियस इक्वल है इसलिए हमने रेडियस आर ही लेंगे। ठीक है, फिर अब देखो दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा, सेकेंड का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया सेम फॉर्मूला, बट क्या होगा θ1 की जगह पर क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा, मतलब प्लस θ2 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम A3 का एरिया निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा θ3 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, प्लस हम एरिया इसका निकाल लेंगे, A4 का एरिया निकाल लेंगे, तो A4 का एरिया कितना हो जाएगा θ4 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, अब देखो यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 360 हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका, देखो पहले हम क्या काम करेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 18 दे रखा है, ए बी 18 दे रखा है हमारा, डीसी कितना दे रखा है हमारे पास 32 दे रखा है, 32
और हाइट कितना दे रखा है स्टूडेंट, हाइट समय पैरासाइट के बीच का हाइट कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। माइनस, अब देखो यहाँ पर हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, अब हम टेकिंग कॉमन आउटसाइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर 360, पाई आर का स्क्वायर 360, पाई आर का स्क्वायर 360, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, पाई आर का स्क्वायर बाई 360। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास, देखो ये बाहर आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 1/2, देखो 18 प्लस 32, देखो 18 प्लस 32 कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, ये आ गया 50 आ गया डिवाइड इंटू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ ये कैंसिल कर रहा है 7 के, तो इसको यहाँ यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका 50 × 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बाई 360, और ये भी कितना होगा स्टूडेंट, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर, मतलब ये भी 360 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है इन एनी क्वाड्रिलेटर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर मान लो यही ट्राइंगल होता तो क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बट क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी इस पूरे की वैल्यू कितना लिख लिया, 360 डिग्री। अब देखो 360 से 360 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, 350 हो गया। और पाई, पाई की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है स्टूडेंट, रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये आ जाएगा 350 माइनस, अब देखो 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 350 माइनस 22 × 7, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट ध्यान से, तो यह आ जाएगा 350, अब देखो 22 × 7 154 हो जाएगा, क्लियर है, 154, यह हमारे पास कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर² आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हमारे पास कह सकते हैं, therefore area of the shaded region, therefore area, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, therefore area of the shaded region is 196 सेंटीमीटर², क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट,